बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हदीसलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये यूटिलिटी को मापने का एक मेथड है, एक अप्रोच है, एक फिलॉसफी है यूटिलिटी के हवाले से। तो ये क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, तो आज वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, पीएमएस की तैयारी करने के लिए, सीएसएस की तैयारी करने के लिए इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट, ये चैनल आपको बेहतरीन गाइडलाइन मुहैया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी बुनियादी तौर पर ये जाहिर करती है, ये एक अप्रोच है जो ये मानती है कि यूटिलिटीज को और सेटिस्फेक्शन को और तस्कीन को हम कोई नंबर असाइन कर सकते हैं, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हम जो ना वो ले सकते हैं। यानी अगर आपने एक पिज्जा खाया है तो आप वो कह सकते हैं कि मुझे इस पिज्जा खाने से इतनी यूटिलिटी, इतने नंबर्स ऑफ यूटिलिटी मिली है, 10 यूटिलिटी, 15 यूटिलिटी या 5 यूटिलिटी हमें उससे मिली। तो इस अप्रोच के तहत, इस अप्रोच के मुताबिक ये मुमकिन है कि कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर अपनी जो यूटिलिटी है या सेटिस्फेक्शन है वो उसको नंबर्स में, एब्सोल्यूट वैल्यूज में जाहिर कर सके। इसको पेश किया न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, ये इनको रिप्रेजेंट किया था, मार्शल वगैरह ने इनको रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया और इसकी मशहूरी की और इसके इस पे काम किया था। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यूनिट टू एक्सप्रेस यूटिलिटी इज यूटिल्स। जिस तरह हम मुख्तलिफ यूनिट्स है, जैसे पानी को अगर हम मापते हैं उसको लीटर में मापते, वेट्स को मापते हैं तो उसको केजीज में मापते हम लोग, इस तरीके से हम फासले को मापते हैं तो किलोमीटर में मापते। तो यूटिलिटी को जब हम मापते हैं तो उसको हम यूटिल्स में मापते हैं। यूटिल्स उसकी उसका नाम है, उसके मैयर का नाम है यूटिल्स। मीटर, जिस तरह मीटर है, लीटर है, किलोग्राम्स हैं, पास्कल है, ये यूनिट्स हैं। तो यूटिलिटी को मापने का यूनिट है यूटिल्स, यानी यूनिट टू एक्सप्रेस यूटिलिटी इज यूटिल्स, हम इसको यूटिल्स में मापते हैं। For example, a consumer say that he got 7 utils from consuming the first unit of pizza and 6 utils from the second and so on. यानी किसी भी चीज को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जब सेटिस्फेक्शन को मापने तो हम उसको utils में मापेंगे कि हमने आज पाव मूंगफली खाई है तो हमें उसे 15 utils की जो ना utility मिली है, और रेवड़ियां खाई हैं तो उस रेवड़ियों से हमें 10 units की जो utils की जो ना वो utility मिली है। तो साथ हमने काफी पिया है तो काफी पीने से हमें 15 यूनिट्स की यूटिल्स जो ना वो मिली है, तो यूटिल्स में हम उसको माप सकते हैं। अब यूटिलिटी का जो यूटिल्स है वो उसको किसके बराबर कैसे मापते हैं, तो अब अमूमन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इसको हम डॉलर के अगेंस्ट या रुपए के अगेंस्ट या मनी के अगेंस्ट या जर के अगेंस्ट मापते हैं। यानी अगर किसी चीज की जर ज्यादा, एक यूटिल मतलब एक यूनिट, तो अगर आपने 100 रुपए की मूंगफली खाई है तो इसमें से आपको 100 यूटिल्स की यूटिलिटी जो है वो मिलेगी, यानी एक यूटिल मतलब एक रुपया। तो जितने पैसे आप उसके लिए खर्च करना चाहेंगे, जितने पैसे आप उसके लिए खर्च करेंगे तो वो उतने यूटिल्स जो ना वो आपको यूटिलिटी उतनी मिलेगी। या आपने एक दर्जन किन्नो लेके खाए हैं तो आपको एक दर्जन किन्नो 200 रुपए के आए हैं तो उस एक दर्जन किन्नो से आपको 200 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलेगी। तो ये इसका मापने का तरीका है कि यूटिल्स को आप मापेंगे रुपयों में। तो यूजुअली 1 यूटिल यूजुअली इक्वल 1 डॉलर। दिस इज बिकॉज मेनी इकोनॉमिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर अ गुड इज अ गुड मेजर ऑफ यूटिलिटी। और ये बात भी ठीक है कि अगर उसमें यूटिलिटी ज्यादा होगी तो हम उसमें पैसे ज्यादा देंगे, अगर यूटिलिटी कम होगी तो हम उसके लिए पैसे कम देने के लिए राजी होंगे। तो यूटिलिटी का जो यूटिल है वो डॉलर के अगेंस्ट या रुपए के अगेंस्ट जो आप पैसे दे रहे हैं उसमें वो मापा जाता है। अनदर नेम ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज मार्जिनल एनालिसिस और न्यू क्लासिकल अप्रोच। इसका दूसरा नाम मार्जिनल एनालिसिस, क्योंकि मार्जिनली हम इसको डिस्कस करते हैं आगे जब हम इसके पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और इक्यू मार्जिन यूटिलिटी, तो उसमें आप देखेंगे कि हम इसको मार्जिनल एनालिसिस भी कहते हैं और इसको न्यू क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। अब आने दी इसके अजम्पशंस क्या है कार्डिनल यूटिलिटी।
तो जैसा कोई भी जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, वो आपको पता है वो अजम्पशंस बेस्ड होती है, उसके अजम्पशंस होते हैं, उसकी बुनियाद पर हम इसको उस थ्योरी को पढ़ते हैं, उस थ्योरी से कुछ रिजल्ट यू नो ले सकते हैं। नंबर एक, कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली टू बाय द गुड्स दैट गिव्स द मैक्सिमम एंड हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। रैशनली का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर इल इन्फॉर्म नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन पूरी है, उसको अपने पैसों का भी पता है, उसको चीज़ों की कास्ट का भी पता है, चीज़ों की प्राइस का भी पता है, उसको मार्केट का भी इंफॉर्मेशन है कि मार्केट में ये चीज़ किस कंडीशन में, किस हालत में, किस क्वालिटी में, किस जगह से कितने की मिलती है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जो कंज्यूमर है वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, कभी भी वो इल इन्फॉर्मेशन की वजह से या पुअर इन्फॉर्मेशन की वजह से वो फ्रेम नहीं खाएगा और दो नंबर चीज़ नहीं लेगा जिससे उसकी यूटिलिटी कम हो सके। तो वो इल इन्फॉर्म नहीं है, वेल इन्फॉर्म्ड है, उसको चीज़ों का पता है, उसको मार्केट की प्राइसेस का पता है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन मुकम्मल है, उसको अपनी इनकम का पता है और उसको चीज़ों की प्राइसेस। तो जब ये सारी चीज़ें पता हो तो लोग रैशनली एक्ट करते हैं, वो वहाँ से चीज़ खरीदेगा जहाँ से उनको यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। सो कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली, कि वो रैशनली एक्ट करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हासिल करने की कोशिश करता है, कम से कम प्राइस देने की कोशिश करता है। कंज्यूमर इनकम इज लिमिटेड। अब दूसरा अजम्पशन है कि कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है कि जितनी चाहे खर्च करता रहे, वो लिमिटेड इनकम है, वो लिमिटेड इनकम में रहकर ही उसने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है। द यूटिलिटी इज मेजरेबल। तीसरा अजम्पशन की यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, वो ये इसका मेन है अजम्पशन की यूटिलिटी मेजरेबल है, इसको माप सकते हैं, उसको मापा जाएगा यूटिल्स में। और एक यूटिल जो है ना वो एक यूनिट ऑफ मनी क्या है, यानी अगर डॉलर में खरीद रहे हो तो एक यूनिट ऑफ यूटिल वन डॉलर की इक्वल है, अगर रुपयों में खरीद रहे हो तो एक यूनिट ऑफ यूटिल जो है ना वो एक यूनिट ऑफ मनी ही 1000 रुपए के बराबर है। इसके बाद है जी, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, यूटिलिटी चीज की कंजम्पशन, उसको चीज को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे, तो हर अगला यूनिट आपको पहले यूनिट से कम यूटिलिटी देगा, इसको हम कहते हैं डिमिंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन द यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट विल गो डाउन। हर अगला यूनिट नीचे, हर अगले यूनिट से यूटिलिटी आपको कम मिलती जाएगी, ये इसका अजम्पशन है कि ये डिमिंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी के अंदर काम करेगा। तो जैसे जैसे आप किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं तो चूंकि इंटेंसिटी ऑफ वांट कम होती जाती है, ख्वाहिश की शिदत कम होती जाती है, तो वो यूटिलिटी की भी जो है ना वो नंबर वो कम होते जाते हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी डज नॉट चेंज, यानी चीज की यूटिलिटी तो कम होगी लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर चीज को खर्च कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो इनकम की जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो नहीं बढ़ती या वो कम नहीं होती। ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इनकम की मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी, कम पैसे रहेंगे तब भी सेम रहेगी। इनकम के या पैसों के आने और जाने से यूटिलिटी के, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, वो क्योंकि वो मेजरिंग रॉड है, इसलिए वो मेजरिंग रॉड अगर आप बदलते रहोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो यूटिलिटी भी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो ज़र की मार्जिनल यूटिलिटी है, करेंसी की मार्जिनल यूटिलिटी है, उसका जो तस्कीन है, क्योंकि आपको जब अपने पास पैसे होते हैं तो उससे भी तस्कीन मिलती है, तो ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा तस्कीन होगी, कम पैसे होंगे तो कम तस्कीन होगी। तो लेकिन यहाँ पे अजम्पशन ये फर्ज ये किया गया है कि यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जर की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है, उसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आता। यूटिलिटी इज एडिटिव। एडिटिव मतलब आप मुख्तलिफ यूटिलिटीज को मेजर कर जमा कर सकते हैं, जैसे आपने तीन ग्लास पानी पिए तो पहले ग्लास की यूटिलिटी, दूसरे ग्लास की यूटिलिटी और तीसरे ग्लास की यूटिलिटी, इनको आप ऐड कर सकते हो, जमा कर सकते हो। इसी कैसे आपने खाना खाया, खाने में आपने कुछ चीजें कहीं खाई है, रोटी खाई है, सालन खाया है, सलाद खाया है, लस्सी पी है, दही खाया है, आपने मीठा में कुछ लिया है, तो इन सब चीजों से अलग अलग यूटिलिटी मिलती है, उन सबको जब आप कंबाइन करेंगे, सम कर सकते हैं आप इनको, एडिटिव है। इसी कैसे ये इनको निकाला भी जा सकता है, किसी चीज की यूटिलिटी को नेगेटिव यूटिलिटी मिली है तो वो निकाली जाएगी, पॉजिटिव मिली है तो वो ऐड की जाएगी। तो यूटिलिटी इज एडिटिव, यानी डिफरेंट चीजों से जो यूटिलिटी हमें मिल रही है, हम उसको जमा करके एक सम टोटल यूटिलिटी भी ले सकते हैं। द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम ऑफ अदर प्रोडक्ट। यानी एक कंज्यूमर जब मुख्तलिफ कमोडिटीज यूज करता है तो हर एक की जो यूटिलिटी है वो दूसरे से अलग होती है, यानी उसकी यूटिलिटी दूसरी प्रोडक्ट से इफेक्ट नहीं होती,
दूसरी प्रोडक्ट से असरअंदाज नहीं होती कि अगर उसने एक फल खाया, जैसे एक उसने एक एप्पल खाया, तो एप्पल की यूटिलिटी उसके बाद अगर वो बनाना खा रहा है या ऑरेंज खा रहा है, सेब केला खा रहा है या माल्टा खा रहा है, तो उससे उसकी यूटिलिटी एप्पल की जो ना इफेक्ट नहीं होगी, एप्पल की यूटिलिटी अपनी जगह मिलेगी और ऑरेंज की यूटिलिटी अपनी जगह मिलेगी, तो वो इंडिपेंडेंट है। अब आते जी एडवांटेजेस ऑफ गार्डन, इस अप्रोच के एडवांटेजेस क्या है कि क्या इसको यूज करना चाहिए इस अप्रोच को कि नहीं अप्रोच यूज करना। इट एम्स टू क्वांटिफाई यूटिलिटी, इसका जो बुनियादी मकसद है वो यूटिलिटी को क्वांटिफाई करना, यानी क्वालिटी में मेजर करना है कि इसका जो मेन पर्पस है, जो थीम है इस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का, वो ये है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में, वेट्स में, एब्सोल्यूट वैल्यूज में मेजर कर सकते हो। तो ये क्वांटिफाई करती है, इससे जरा एक क्लियर पिक्चर आ जाती है किसी चीज की कि इसमें कितने यूटिल्स यूटिलिटी मौजूद होगी, कितने यूनिट्स यूटिलिटी मौजूद होगी। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, तो दो कॉम्बिनेशन के जो ना वो एनालिसिस करने में ये हेल्पफुल होती है मुख्तलिफ चीजों की। दिस अप्रोच असिस्ट इन बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज इनटू सब्स्टिट्यूट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट, तो इस अप्रोच से हमें जरा क्लासिफिकेशन मिल जाती है कि ये सब्स्टिट्यूट्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये इकट्ठे यूज हो गई है एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो। दिस अप्रोच हेल्प्स टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एज वेल एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, तो इस अप्रोच से हम लॉ ऑफ डिमांड को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आपको यूटिलिटी नंबर्स में बतानी पड़ेगी, तो नंबर से आपको फिर ये असिस्ट करेगी। इट मेक इट इजियर टू नो इफ अ यूजर प्रेफर वन प्रोडक्ट टू अनदर, तो इससे ये भी पता चलता है कि एक यूजर एक सी प्रोडक्ट को दूसरे पे प्रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी वो प्रेफरेंस किससे जाहिर करेगा, वो अपनी प्रेफरेंस को जाहिर करेगा अपने प्राइस से, को कितनी प्राइस किसके लिए देना चाह रहा है, तो जिसके लिए जितनी प्राइस वो देगा वो उसको उतनी प्रेफरेंस मिलेगी, तो कम मिले कम प्राइस चार्ज करेगा देने के लिए तैयार है तो वो कम प्रेफरेंस देगा। तो इससे ये भी पता चल जाता है इस यूटिलिटी से कि किस चीज की प्रेफरेंस ज्यादा है और किस चीज की प्रेफरेंस कम। अब है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, यानी इसमें खराबियां क्या हैं, तो कहते हैं इसमें बहुत से अजम्पशंस ऐसे हैं जो अनरियलिस्टिक है, जो सही नहीं है, जैसे यूटिलिटी का अपना कंसेप्ट कि इसको मेजर किया जा सकता है ये रियल नहीं है, ये सब्जेक्टिव होता है, हर बंदा अलग अलग होता है, हो सकता है वो कीमत तो सेम दे रहा हो लेकिन उसको उससे यूटिलिटी इतनी ना मिल रही हो किसी मजबूरी की वजह से, एक उसको पसंद नहीं है लेकिन मजबूर वो यूज कर रहा है, तो उसके लिए कीमत उसको वही देनी पड़ रही है जो रहा है मार्केट में, लेकिन उसको यूटिलिटी इतनी नहीं मिल रही। तो यूटिलिटी जो कि सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है, इसलिए इसको क्वांटिफाई करना जरा मुश्किल है, इसको मापना जरा मुश्किल है, ये जरा वेग कंसेप्ट लगता है, इसमें अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। इन रियलिटी देर इज नो एक्यूरेट वे टू क्वांटिफाई द सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर कैन गेट, तो कोई ऐसा एक्यूरेट वे नहीं है जिसमें आप यूटिलिटी को माप सकते हो सही तरीके से। इट मे गेट हार्ड टू असाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी, आप एब्सोल्यूट वैल्यू यूटिलिटी को नहीं दे सकते इसमें। इट मे बी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द यूटिलिटी टू एस्टैब्लिश इट्स इकोनॉमिक वैल्यूज, यानी उसकी कीमत तय करने में उसकी यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसकी कीमत तय करने के लिए किसी चीज की, उसकी जैसे देखो बहुत सी चीजें आपको मुफ्त में मिलती है लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो होती है, वो आपको तस्कीन तो देती है, जैसे हवा है, ऑक्सीजन है, धूप है, वो आपको तस्कीन तो देती है लेकिन आप उसके लिए प्राइस पे नहीं कर रहे होते। जब आप उसके लिए प्राइस पे नहीं कर रहे होते इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जीरो प्राइस है तो जीरो क्वालिटी है इसकी, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपने प्राइस नहीं पे किया, आपने को पैसा नहीं दिया तो अब आपके लिए इसमें यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी तो है, तो इसलिए अगर आप इसे क्वांटिफाई करने से यूटिलिटी की वैल्यू का फैसला करेंगे तो वो आपका ठीक फैसला नहीं हो सकता। डिफरेंट फैक्टर्स कैन इंपैक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर व्हेन असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ यूटिलिटी, जब आप मुख्तलिफ देते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स इसमें अफेक्ट हो सकते हैं यूटिलिटी को मेजर करने में, जैसे टाइम है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स है, और टेस्ट है, प्रेफरेंस है, फैशन है, तो बाद का तो उसमें वो उसी के से यूटिलिटी मौजूद होती है लेकिन क्योंकि फैशन नहीं है तो लिहाजा आप उसके लिए पैसे नहीं देते तो उसमें फिर यूटिलिटी नहीं रहती। तो बहुत से मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं यूटिलिटी पे। तो कार्डिनल अप्रोच बहरहाल ये एक क्लासिकल अप्रोच है, इब्तदाई कोशिश थी यूटिलिटी को मापने की, तो ये बड़ी अहम है इकोनॉमिक्स लिटरेचर में और ये बेस है इकोनॉमिक्स की बुनियादी तौर पर, जिससे इकोनॉमिक्स को समझने में ज़्यादा मदद मिलती है।
So like the most other economic approaches, this approach also depend on the many assumptions and many of these are not always hold. तो सारे तो होते नहीं, तो assumption होती है, वो बाज का hold होते हैं, बाज का hold नहीं होते. बहरहाल लेकिन ये भी एक कार्डिनल जो यूटिलिटी है, ये एक अप्रोच थी, पहली अप्रोच यूटिलिटी को मेजर करने की, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की. तो इससे आल्दो बहुत सी चीजें जो ना वो अब भी इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की पहली कोशिश थी कार्डिनल अप्रोच, जिसमें ये माना गया था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. तो दिस अप्रोच इज वाइडली यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग कंज्यूमर बिहेवियर डिस्पाइट द अजम्पशन एंड ड्रॉबैक्स. इसके अजम्पशन और ड्रॉबैक्स के बावजूद ये यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये बहुत सारा एनालिसिस में, नॉर्मेटिव एनालिसिस में यूज हो रही है, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग भी होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका एक वसी इस्तेमाल मौजूद है. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कार्डिनल यूटिलिटी होती क्या है, इसके क्या है ड्रॉबैक्स, क्या है एडवांटेजेस, क्या है इसके अजम्पशंस क्या है. तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा. लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. चैनल का नाम है इकोनोमैनिया, मेरा फेसबुक पेज इकोनोमैनिया के नाम से है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें. तो तब तक के लिए इजाजत दें, अब हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.